नमस्कार, संगीतर्स किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त आने वाला है और मैं बना के आपको दिखाऊंगी तरह तरह के ट्राई कलर डिशेस। तो आज सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ ये हक्का नूडल्स। आप देख सकते हैं ये नूडल्स मैंने बॉईल कर लिए और ये मैंने कैरेट को ग्रेट करा हुआ है। बहुत ही प्यारी बारीक सी ग्रेटेड कैरेट है और साथ में है ये कैबेज। तो ये तीनों चीजें मेरा ट्राई कलर फ्रेश डिनोट कर रहे हैं। और साथ में है लेमन, जिसके अंदर मैंने डाला है ब्लैक पेपर। तो ये बन गया हमारा फ्लैग का चक्र। तो चलिए आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये और चीजें हम क्या डालेंगे। इसके अंदर सेफ्रन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डाल रही हूँ ये प्यारी प्यारी मेरी कैप्सिकम रेड कलर की, साथ में थोड़ी सी और कैरेट, वाइट मशरूम्स, इसके नीचे है ग्रेटेड लहसुन, वाइट गार्लिक, ये हो गई वाइट अनियन, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली। और इसको ड्रेसिंग के लिए मैं यूज करूंगी ये ग्रीन चटनी, वाइट मेयोनीज, रेड सॉस। तो ये ट्राई कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर और लाजवाब बनेगी ये डिश। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। संगीतास किचन में आज सेलिब्रेशन है 15 अगस्त का। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक पैन के अंदर प्याज डालूंगी। वैसे तो ये कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया बनता है, जो चाइनीज कढ़ाई होती है, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी हम बहुत ज्यादा नहीं बना रहे, तो मैंने सोचा ये नॉन स्टिक पैन का ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखिए ये प्याज हम सॉटे करेंगे, बहुत ही शानदार बनेगा ये 15 अगस्त का सेलिब्रेशन जो हम करने जा रहे हैं। और इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन, देखिए ये मैंने बिल्कुल लहसुन को क्रश कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये ग्रीन चिली। तो वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया बनेगा। साथ में मैं थोड़ी सी ये रेड चिली भी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्टर करूंगी। फटाफट बन के तैयार होगा ये कैप्सिकम और प्याज जो हमने इसके अंदर डाल दी है। तो हम क्योंकि ट्राई कलर बना रहे हैं, तो मैं सारी ट्राई कलर इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर आप डालूंगी। थोड़ा सा प्याज और लहसुन को मैं सौते कर रही हूँ ताकि वो जो थोड़ी सी तेंगी स्मेल होती है वो निकल जाए। तो देखिए ये मशरूम मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी, क्योंकि हमें व्हाइट, ग्रीन और सेफ्रन ही कलर लेना है। मैंने उसके अंदर रेड कैप्सिकम डाल दी और ये मैं डाल रही हूँ मशरूम्स। मशरूम से बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगा। तो अब मैंने डाल दिए इसके अंदर मशरूम्स। मशरूम थोड़ी सी देर में ही बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं तैयार। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर मेरी कैरेट, सेफ्रन कलर रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा कैबेज।
ये सभी डालने के बाद हम थोड़ी सी देर इसको स्टर करेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होना जरूरी है, तो बस हम इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम ढकेंगे तो ये सॉगी हो जाएगा, मशी हो जाएगा, और हमको रखना है इसको एकदम क्रंची। तो देखिए इस तरह से करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये विनेगर। बढ़िया खुशबू आ रही शुरू हो गई विनेगर जाते ही, वो चाइनीज एक एरोमा होता है, बस वो झटपट आने लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो देखिए अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी पास्ता सॉस। हम अलग अलग सॉस का यूज करेंगे इसके अंदर। साथ में मैं डाल रही हूँ ये फ्रेश टोमेटो केचप, और मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज। हर इंग्रेडिएंट जो मैं डाल रही हूँ प्योरली ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्वाद आएगा बहुत ही लाजवाब। और मैं डालूंगी अब इस पॉइंट पे सॉल्ट। सॉल्ट के साथ मैं डालूंगी रेड पेपरिका। मैं इसमें अजीनोमोटो नहीं डाल रही हेल्थ रीजन से, आप चाहें तो आप अजीनोमोटो को भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बढ़िया हो गया तैयार। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई तैयार। तो अब हमारे आते हैं नूडल्स। इस तरह से मैं इनको फैला दूंगी और ये बन के होंगे लाजवाब तैयार। अब देखिए पहले एक बार मैं इसको स्पैचुला से इस तरह से घुमा दूंगी और मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च। और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो आप देख सकते हैं ट्राई कलर रेसिपी बनके हो गई एकदम बढ़िया तैयार। अब मैं इस स्पैचुला को कर लेती हूँ अलग और इससे स्टोन की मदद से थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तैयार। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे हो गए तैयार। तो बस मिलते हैं 5 मिनट के बाद इसकी प्लेटिंग के लिए। तो देखिए अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर और ये बनके हो गए तैयार। इसमें नूडल्स भी बहुत टाइप से आते हैं, मेरे थोड़े थिन नूडल्स हैं, आप एक थिक क्वालिटी आती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो बस अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। गैस को करूंगी मैं बंद और ये देखिए वाओ व्हाट अ लवली कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्राई कलर, है ना बढ़िया। तो मैं थोड़ी सी और इसके ऊपर डालूंगी ये ग्रेटेड गाजर और मैं डालूंगी बीच में धनिया पत्ती। तो है ना बढ़िया। डू गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस ट्राई कलर रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस इनोवेटिव टेस्टी यमी डिलीशियस रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।